नमस्कार, 22 जुलाई 22 खबर देख रहे हैं आप, साथ मैं हूं आपकी कीर्ति कंसल। सिरसा में पीटीआई अध्यापकों का धरना 23वें दिन भी जारी रहा। पीटीआई शिक्षकों का धरना आज 23वें दिन भी जारी है। कल उनको मंत्रिमंडल में बैठक से काफी उम्मीदें थी, लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक में इनके पर किसी तरह का कोई विचार नहीं किया गया। इसमें मौजूद है लघु शौचालय जान का धरना लगातार चल रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि आपको मंत्रिमंडल की बैठक से काफी उम्मीदें थी, आपकी बात का वहाँ डिस्कस नहीं हो पाया, आप क्या कहना चाहते हैं? हम सरकार की इस विषय में घोर निंदा करते हैं। उन्होंने हमारी जो जन भावनाओं की कदर नहीं की, और ये यदि सरकार अभी तक हमारे विषय में कोई विचार नहीं कर रही तो हम राज्य संघर्ष समिति के देखरेख में हम अपने आंदोलन को और तीखा करेंगे, और सर जहाँ तक जाना होगा हम जाएंगे। अपने कुछ लोग भी साथ हैं। मैं आपसे जानना चाहूँ कि हरियाणा सरकार के सामने अब आप अपनी मांग रखेंगे, हरियाणा सरकार कैसी आपकी मदद कर सकती है? सर, हरियाणा सरकार को हमने अपने लेवल पे अपने होमवर्क करके एक ड्राफ्ट तैयार करके दिया नए कानून का, और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि जिस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की पालना करके हरियाणा सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, वो एक छोटा सा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से 2000 परिवारों को उन्होंने रोड पर ला के बिठा दिया। और कल हमें बहुत ही ज़्यादा अपेक्षा, आपके चैनल पर भी मैंने बताया था, हमें बहुत उम्मीद थी कि हमारे विषय में बात की जाएगी, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी। हमारे साथ साथ 2000 परिवारों के साथ साथ 10,000 परिवार और लाखों लोग इस निर्णय से प्रभावित हुए हैं। हम अपनी बात को लेकर के लगातार समाज में जाएंगे, सरकार के काले चिट्ठों को खोलेंगे और सरकार की बदनीति का खुलकर इजहार करेंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूँ कि बड़ौदा उपचुनाव में भी हम लोग अपनी ताकत दिखाएंगे, वहाँ हम अपने सच का सामना इस सरकार को करवाएंगे। यानी कहीं की भिवानी में भी पीटीआई अध्यापकों का धरना 23वें दिन भी जारी रहा। हरियाणा शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति का धरना लगातार 23वें दिन भी जारी है। आप देख पाएंगे तस्वीरों में किस तरह से कर्मचारियों के द्वारा जो बर्खास्त किए गए उनसे 83 पीटीआई हैं, उनके द्वारा लगातार यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मांग की जा रही है कि उनको बहाल किया जाए। महज और महज एक ही मांग इनके द्वारा उठाई गई है कि इनकी नौकरी की बहाली होनी चाहिए। तमाम दूसरे संगठनों का समर्थन भी इनको मिल पा रहा है। और इसके अलावा अगर बात करें, पूरी तरह से इन लोगों ने कहा है कि अब वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, यानी बड़ौदा उपचुनाव में सरकार का विरोध करेंगे। अगर सरकार उनको बहाल करती है तो निश्चित तौर पर हर मुकाम पर सरकार का साथ भी देंगे। साथ ही साथ आप देख पाएंगे कि बड़ी तादाद में कर्मचारी संगठनों का समर्थन इनको हासिल है। हालांकि कांग्रेस और इनेलो साफ तौर पर कह चुकी है कि वो इनके साथ है, इन पीटीआई को एक कलम से बहाल करेंगे। और साथ ही साथ अब ये पीटीआई भी कह चुके हैं कि पूरी तरह से लड़ाई के मूड में है, आर पार की लड़ाई के मूड में, राज्य स्तरीय आंदोलन करेंगे। खापों का समर्थन इनको हासिल हो चुका है। और उसके अलावा पंचायतों, ग्राम पंचायतों की बात करें, पंचायत प्रतिनिधियों की बात करें, उनका भी समर्थन हासिल हो चुका है। और इन्होंने तर्क ये भी दिया है कि जब ये सत्तासीनों को सत्ता पर कब्जा करवा सकते हैं, यानी वोट देकर जब ये उनको प्रतिनिधि बना सकते हैं, तो ऐसे जनप्रतिनिधि उनको सड़कों पर भी ला सकते हैं। ये तो कहा है कि जिन लोगों ने उनको सत्ता के कब्जे पर बैठाया था, सत्ता पर काबिज करवाया था, वो लोग आज ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, जबकि उनको सत्ता के दरवाजे तक पहुंचाने वाले लोग आम जन वो कहीं न कहीं सड़कों पर इस तरह से आंदोलन करने पर मजबूर है। बहरहाल आर पार के आंदोलन की चेतावनी दी गई है, ऐलान किया गया है, साथ ही साथ बहाली होने तक इसी तरह से आंदोलन जारी रखने का भी अल्टीमेटम दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। सावन का महीना शुरू हो चुका है और ऐसे में तीज त्योहार को लेकर के प्रदेश के कैथल जिले में तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई हैं। सावन का महीना शुरू हो चुका है और ऐसे में हरियाणा में तीज की तैयारियां शुरू हो चुकी है। तीज के त्योहार में हरियाणा में माँ है जो बेटी के लिए कोथली बेचती है, और कोथली का जो त्यौहार है, जो प्रचलन है, वो काफ़ी समय से हरियाणा में मनाया जा रहा है। इसके लिए काफ़ी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, जिसमें पुंडरी की जो फिरनी है वो पूरे भारतवर्ष में फेमस है, मशहूर है। आप देख रहे हैं यहाँ पर फिरनी बनाई जा रही है,
और इसको किस तरह बनाया जा रहा है आप देख रहे हैं। यहाँ पर हलवाई बैठे हैं और फिरनी बनाने की तैयारी में है, फिरनी बना रहे हैं। ये फिरनी का जो ऐसे बताते हैं कि 1936 में ये पहली बार पुंडरी में बनाई गई थी। हरिकिशन व्यास जो हलवाई हैं उन्होंने इसकी शुरुआत की थी और तब से आज तक ये बनाई जा रही है। करीब 84 साल इसको बनते हुए हो गए हैं। और जो कोथली का त्यौहार तीज के समय जो मनाया जाता है, जिसमें माँ अपनी विवाहित बेटी के लिए ससुराल में कोथली बेचती है, जिसमें फिरनी भी शामिल होती है, क्योंकि फिरनी के बिना कोथली अधूरी होती है, सावन का त्यौहार अधूरा होता है। ये फिरनी ऐसा है, माना जाता है कि पूरे भारतवर्ष के अलावा देश विदेश में भी यहाँ से सप्लाई की जाती है, यहाँ से जाती है और लोग इसका जायका लेते हैं। 1936 में इसकी शुरुआत हुई थी, उस समय अंग्रेज़ों ने भी इसका फ़ायदा जो लुत्फ उठाया था और उसका स्वाद भी चखा था और उन्होंने इसकी तारीफ भी की थी। हमारे साथ यहाँ पर हलवाई हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, वो हमें बताएंगे कैसे ये बनती है, किस तरह तैयार किया जाता है, कैसे बनती है ये फिरनी। हाँ जी, मैदा घी के साथ बनती है जी। कैसे बनाया, पहले क्या करके जाता है? पहले मैदा बनाया जाता है जी, फिर घी में ले जाते हैं जी, फिर पेड़े बनाए जाते हैं इसके, फिर बत्ती ले जाती है जी, फिर घी में बाड़ बनाए जाते हैं इसके जी। तो सुना है अभी काफ़ी टाइम से, पुराने समय से, अंग्रेजों के टाइम से बनती आ रही है? बहुत टाइम से हो गए जी, नहीं 4 साल तुम्हारी उम्र होगी जी। अच्छा, अब 4 साल से हम लग रहे हैं इसमें काम में, फिर नहीं बनाते हैं जी हम। तो इसको तीज के त्यौहार में पोथली में बेचा जाता है, क्या क्या बेचा जाता है पोथली में? तीजा भाई जो और फिर नहीं बिस्कुट ताशा जी, ये 4-5 होते जाते हैं जी। कोई कैसे यमुनानगर में 2 महिला व 1 पुरुष कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसके बाद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 30 हो गई है। यमुनानगर में आज 2 महिलाएं और 1 पुरुष को लेकर 3 आदमी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। हालांकि ये बड़े उद्योगपति हैं, उनके परिवार के लोग हैं, पहले तो एक होटल व्यवसायी को हुआ, उसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट को हुआ और ये आगे चाहे आगे जो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है ट्रेस हुआ। सबसे बड़ी बात यमुनानगर की ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अवेयर हो चुके हैं, जब भी उनमें कुछ ऐसा सिस्टम लगता है वो खुद अपनी जाँच करानी शुरू कर दी है। ये भी जो पेशेंट आए हैं इन्होंने खुद ही अपने डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर ने इनको सलाह दी है कि आप कोविड टेस्ट करवाई। हालांकि इससे पहले जितने भी पेशेंट आ रहे थे वो सरकार द्वारा उनकी जो कोई हिस्ट्री निकलती थी या कोई कोरोना पॉजिटिव आता था उसका सैंपल लिया जाता था, तब एक सरकार के लिए दिक्कत थी। लेकिन यमुनानगर की बात करें तो यहाँ पर लोग अवेयर है, एक अच्छी खबर है, क्योंकि जो कोरोना तभी जाएगा जब लोग इसके प्रति जागरूक होंगे। इसीलिए जब हर आदमी से प्रशासन यही सलाह देता है कि वो सैनिटाइज बार बार अपने हाथों को करते रहें, खुद सैनिटाइज रहें, मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। करनाल में रिहायशी इलाकों से डेयरी शिफ्ट करने की कवायद तेज कर दी गई है। नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए रिहायशी इलाकों में 4 डेयरी को बंद करके उनके पशु अपने कब्जे में ले लिए हैं। वहीं 1 पशु को छुड़ाने के लिए 5,000 भी लगाया गया है। नगर निगम कमिश्नर से बात की हमारे संवाददाता केसी आर्य ने। आज डेयरी शिफ्टिंग के मामले को लेकर जो है नगर निगम की जो है ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है और 7 डेयरियों को आज सील कर दिया गया है। और हमारे साथ है नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर, उनसे जानते हैं कि ये मामला क्या है और पूरी बात क्या है जी, क्यों की जा रही है? जैसे कि आपके संज्ञान में ही है कि ये जो डेयरी शिफ्टिंग का जो मामला है ये पिछले 15-16 साल से पेंडिंग चला आ रहा था करनाल सिटी से पिंगली गांव में। पिंगली गांव में 188 प्लॉट डेयरी ओनर्स के लिए हमने काटे और उसके बाद 4-5 महीने पहले हमने उसके ड्रा द अलॉटमेंट का प्रोसीजर शुरू किया। तकरीबन 230 के करीब डेयरियां करनाल सिटी में ऑपरेशनल है, उसमें कुछ फिगर 5-7-10 आगे पीछे भी कुछ बंद होगी, कुछ नई भी खुली इस तरीके नाल है। उसमें से हमारे पास सिर्फ 79 लोगों ने आवेदन दिया किया और 79 को हमने प्लाट अलाट कर दिए, जिसमें से 54 ने हमारे पास पैसे डिपॉजिट कराए और 54 ने पैसे डिपॉजिट कराने के बाद हमने उनको टाइम दे दिया आप वहां शिफ्ट कर जाओ। उनके खिलाफ 54 के हम कोई एक्शन नहीं ले रहे।
25 ऐसे हैं जिन्होंने कोई हमें आगे अर्नेस्ट मनी जो 20% था वो नहीं जमा कराया। 150 के करीब लोग ऐसे हैं जिन्होंने ना आवेदन दिया ना कोई पैसे जमा कराए, और बार बार उनको नोटिस देने के बावजूद आप प्रेस नोट भी दे दिए कि आप जादुई डायरी को बंद कीजिए या पिंगली गांव में शिफ्ट कीजिए। उन्होंने दोनों कार्रवाई नहीं करी तो मजबूरन अब नगर निगम को अपना जो एक्शन है फील्ड में करना पड़ा। आज कितनी डायरियां सील की गई? ये अब तक तो 7 हम कर चुके हैं एक्शन डायरियों के ऊपर, और शाम तक करेंगे जितनी होंगी, और इस प्रोसीजर को कंटिन्यू चलाएंगे जब तक हमारा फाइनल लास्ट डायरी तक करनाल सिटी में काम। जो पशु आपने जब्त किए हैं उनके लिए क्या किया जाएगा और कितना जुर्माना है? जो पशु हमने जब्त किए हैं वो पशु के लिए, एक पशु के लिए 5,000 रूपये जुर्माना है, और डेयरी ओनर अपना प्रेम नगर में जाकर अपना 5,000 रूपये प्रति पशु के जुर्माना भर के हमारे सीनियर अकाउंट्स अफसर की ड्यूटी लगाई हुई है, उनके पास रिसीट बुक्स पड़ी है और अपना जुर्माना अपने पशु को खिला सकते हैं, लेकिन हम उसको पशु को उस डेयरी में नहीं आने देंगे अब और कहीं और लेंगे। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर गगनदीप सिंह। उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने लगभग 130 डेयरी संचालकों ने उनके पास कोई भी जो है 20% की जो मनी जमा नहीं कराई, और उन्होंने अभी तक जो है किसी प्रकार की डेयरी शिफ्टिंग का जो नोटिस दिया उनको इग्नोर करते रहे हैं। इसी को लेकर आज जो है ये इस एरिया में डेयरी शिफ्टिंग को लेकर इनके डेयरियों को सील किया जा रहा है, ताकि स्मार्ट सिटी जो करनाल बनाया जा रहा उसमें ये डेयरी जो संचालक है कहीं ना कहीं गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, और उनको दूर करने के लिए ये ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। करनाल से KCRE इंडिया न्यूज। चरखी दादरी जिले के गांव पातुवास में चकबंदी के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। चकबंदी को लेकर के विवाद, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं। चरखी दादरी जिले के गांव पातुवास में चकबंदी के दौरान छोड़ी गई जमीन को लेकर उपजा विवाद अब तूल पकड़ता जा रहा है। मामले को लेकर दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर जमीन कब्जाने के प्रयास करने के आरोप लगाते हुए डीएम को भी शिकायत दी है, और शिकायत पर अब कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि वर्ष 1959 में गांव पातुवास में चकबंदी हुई थी। चकबंदी के दौरान 55 परिवारों को महज 2 रुपए में 13 कनाल 16 मरले जमीन दी गई थी, और ये जमीन ईंधन कूड़ा इत्यादि डालने के लिए दी गई थी। श्यामलात की ये जमीन थी जिस पर अब कब्जाने के प्रयास किए जाने के आरोप दोनों ही पक्षों के द्वारा एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। बहरहाल मामला डीएम दरबार तक पहुंचा है और जिलाधीश ने पूरे मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं, लेकिन दोनों ही पक्षों में तनाव का माहौल बना हुआ है। चरखी दादरी सहयोगी अनिल लहरी में वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ। सोनीपत के गोहाना में दो पुलिस वालों के हत्याकांड मामले में सोनीपत CIA ने इस मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोनीपत CIA2 ने गोहाना पुलिस कर्मी हत्याकांड मामले में दो अन्य आरोपियों विकास और नीरज को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दोनों आरोपियों को गांव जाक्सी से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, इससे पहले CIA2 ने ही जींद में अमित नाम के एक बदमाश को एनकाउंटर में मार गिराया था, जबकि संदीप नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी। उसके अलावा इस पूरे मामले में CIA2 ने ही सुशीला और उषा आशा नाम की दो युवतियों को गांव उटाना से गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में सभी 6 आरोपियों को सोनीपत CIA2 ट्रेस कर चुकी है, और आज जिन दो आरोपियों विकास और नीरज को गिरफ्तार किया गया है उन्हें कोर्ट में पेश कर 5 दिन के रिमांड पर दिया गया है, ताकि इनसे गहनता से पूछताछ की जा सके। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ के लिए सनी मलिक। कांग्रेस अब बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कवायद में जुट गई है। जमीनी स्तर पर बिक्री कांग्रेसी को मजबूत करने और पिछले 6 साल से कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों की तैनाती के लिए गुरुग्राम में कांग्रेस की अहम बैठक हुई। साउथ हरियाणा कांग्रेस प्रभारी राजन राव ने बैठक में कार्यकर्ताओं का मन भी टटोला। उन्होंने बताया कि बैठक में मिली फीडबैक हाईकमान को भेजी जाएगी, जिसके बाद जल्द ही जिला पदाधिकारियों का ऐलान हो सकता है। हमने फरीदाबाद से शुरू किया, दूसरी मीटिंग नू में हुई, आज तीसरी गुड़गांव में है। इसके बाद क्योंकि कप्तान साहब क्वारंटाइन हैं 14 दिन के लिए, तो जब वो फ्री हो जाएंगे तो फिर रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ किया जाएगा। तो मैं 15-20 दिन में जो है दक्षिण हरियाणा ख़त्म करके और मैडम को अपनी रिपोर्ट सौंप दूँगा। इसमें समय, क्योंकि कोरोना के वक्त इस वक्त कुछ भी निश्चितता से कहना बहुत मुश्किल है। काम स्लो चल रहा है, जितना हम चाह रहे हैं उस स्पीड से नहीं हो पा रहा,
क्योंकि क्या है, ये सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा लोगों को आप इकट्ठा नहीं कर सकते। और जैसे हालात रहेंगे, हमारी कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी संगठन जो है खड़ा किया जाए। रोहतक जिले के मायना निवासी इंटरनेशनल बॉक्सर अमित पंगाल ने आईबा ने 52 किलोग्राम भार वर्ग की वर्ल्ड रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। इसके अलावा रिठाल गांव की महिला बॉक्सर मंजू रानी को 48 किलोग्राम भार वर्ग में दूसरा दर्जा दिया गया है। वर्ल्ड रैंकिंग लिस्ट के बॉयज व गर्ल्स कैटेगरी में रोहतक जिले के दो खिलाड़ियों का नाम शामिल होने के बाद परिजनों और गांव में खुशी का माहौल बना हुआ है। अब दोनों खिलाड़ी ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड जीत कर लाने की उम्मीद कर रहे हैं। और इसके साथ ही प्रदेश के सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर दोनों खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। हरियाणा के युवाओं को निजी उद्योगों में 75% रोजगार का आरक्षण देने के फैसले को कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद फरीदाबाद के उद्योगपति इस फैसले से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। हालांकि कई मामलों पर उन्होंने सरकार के इस फैसले को सही भी माना है, लेकिन उद्योगपतियों का यह भी मानना है कि कहीं ना कहीं उद्योगपतियों के साथ बैठ करके इस पर एक बार फिर से चर्चा होनी चाहिए। क्या कुछ कहा है उद्योगपतियों ने, हमारे संवाददाता देवेंद्र कौशिक को देखिए। हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक में एक फैसला लिया गया है हरियाणा के युवाओं को लेकर, और कैबिनेट की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि 75% युवाओं को हरियाणा के उद्योगों में नौकरी दी जाएगी और इसके लिए सैद्धांतिक मंजूरी भी दे दी गई है। लेकिन उद्योगपति क्या सोचते हैं, हमारे साथ फरीदाबाद के उद्योगपति हैं अलग अलग औद्योगिक संगठनों के, हमारे साथ में संदीप सिंघल हैं, FCCI के ट्रेजरार हैं, इसके साथ साथ में वीरभान शर्मा हैं, फरीदाबाद IMT इंडस्ट्री एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, इसके साथ जिंदल साहब हैं, FIA की एक्सपोर्ट कमेटी के चेयरमैन हैं, इसके साथ अजय जुनेजा मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। उनसे बात कर लेते हैं। शुरुआत जुनेजा जी आपसे, सरकार की तरफ से सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है 75% हरियाणा के युवाओं को रोजगार देने की बात कही जा रही है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? हमें इसमें वैसे कोई एतराज़ नहीं था, अगर सरकार चाहती है कि यहाँ के लोगों युवा को रोज़गार दिया जाए हम भी उसके साथ हैं, लेकिन समस्या ये है कि इसमें 75% की जो इन्होंने लिमिटेशन लगाई है वो गलत है। वो उसके लिए हमारे साथ इंडस्ट्री के साथ इनको बैठ के विचार विमर्श करना चाहिए था, और जो चाहते हम करते। हमने पहले भी कभी मना नहीं किया, हरियाणा के हमारे अपने प्रदेश के आदमी हैं, जो नौकरी करना चाहें वो कर सकते हैं। गलत क्या है? लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रही है, एक तो इसकी नंबर ऑफ परसेंटेज को रिजर्वेशन करना, दूसरा यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो काम नहीं करते हैं, वो सारे का सारा काम वो काम नहीं करते हैं, वो सारे के सारे बड़े अच्छे घराने से होते हैं, वो यहाँ पे अच्छे खाना पीना खाते पीते रखे होते हैं, वो हर काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उसके अंदर स्किल की ज़रूरत पड़ती है, जो कि स्किल्स हमारे पास जो आते हैं बाहर से लोग आते हैं रोज़ व्यापार जो करने आते हैं कारीगर होते हैं वही कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो जनरल साहब ने कहा बिल्कुल ठीक बात है कि हमारे यहाँ स्किल्ड मैन पावर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। उसके लिए सरकार को चाहिए कि या तो हर इंडस्ट्रियल जोन में हर सेक्टर में एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोल दें, और इस तरह के कानून ना ला के कुछ प्रमोशनल कानून लाए, जैसे आप 5% का एक स्पेशल इंसेंटिव दे दो जिससे बाहर की इंडस्ट्री यहाँ पे आएंगी तो वो किसी ना किसी इंसेंटिव के बहाने आएंगी। अगर आप कोई सख्त कानून लगा दोगे तो उससे एक सबसे बड़ा नुकसान होगा कि बाहर की इंडस्ट्री और नई जो उद्योग है वो नहीं आएंगे। FCCI बड़ा संगठन है, औद्योगिक संगठन है, औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में कामगार काफ़ी संख्या में हैं, काफ़ी उद्योग हैं यहाँ। अब 75% की जो ये पाबंदी कहे हैं, इसे सैद्धांतिक मंजूरी जो दी गई है, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहली बात तो एक बात कहना चाहता हूँ कि राजनीति का उद्योगों में दखल एक किसी सीमा तक होना चाहिए। जहाँ तक इस निर्णय की बात है, जो सैद्धांतिक मंजूरी वाली बात की जा रही है, तो निश्चित रूप से तो सबको समझ में आता है कि एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार का एक जुमला युवाओं को रोजगार देना है। लेकिन इसमें सरकार अगर कोई पॉजिटिव काम करना ही चाहती है तो वो उद्योगों को आकर्षित करने वाली नीतियाँ बनाए, ना कि उद्योगों को औद्योगिक संगठनों को या उद्योगपतियों को निराश करने वाली। अब आप बताइए, किसी प्रकार से भी अगर आप इस प्रकार की कोई शर्त लगा देते हैं कि 75% आपको स्थानीय लोगों को रोजगार देना पड़ेगा, तो इस बात की गारंटी कौन लेगा कि उन स्थानीय लोगों में क्या उन लोगों के अंदर वो कार्यकुशलता होगी कि वो उस काम को कर पाएं? दूसरी चीज़ सबसे पिहोवा
हलका इस्माइलाबाद में बीचों बीच गुजरने वाली मेन सड़क के नवीनीकरण का कार्य आज से शुरू कर दिया गया है। लगभग 5.5 किलोमीटर लंबी यह सड़क बहुत जल्द बनकर के तैयार हो जाएगी। खेल एवं युवा मामलों के मंत्री संदीप सिंह ने इस सड़क के नवीनीकरण कार्य का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि इस कार्य में लगभग 1,17,00,000 रुपए की लागत आएगी। सड़क लगभग 15 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी। इससे इस्माइलाबाद के स्थानीय लोगों के साथ साथ दक्षिण हरियाणा से चंडीगढ़ की तरफ जाने वाले लोगों को भी फायदा होगा। सड़क के निर्माण को लेकर के क्वालिटी पर ध्यान देने के लिए भी खेल मंत्री की ओर से अधिकारियों को निर्देश दिए गए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि बरसात में सड़क किसी भी सूरत में खराब नहीं होनी चाहिए। पीटीआई धरने के 23वें दिन सभी पीटीआई अध्यापकों का लघु सचिवालय स्थित धरना स्थल पर शांतिपूर्वक धरना जारी है। पीटीआई अध्यापकों ने बताया कि लगातार सरकार से गुहार की जा रही है, लेकिन सरकार हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। अगर सरकार का यही रुख रहा तो हमें अपने धरने को आंदोलन का रूप देना पड़ेगा और प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेंगे। हिसार जिले के नारनौंद में कोतकला डेरे के महंत सुखरायनाथ पर जानलेवा हमला हुआ। सुखरायनाथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के करीबी है। महंत के सिर पर तेज धार हथियार से हमला किया गया है। महंत को नारनौंद के सरकारी अस्पताल में लाया गया। डॉक्टरों की टीम महंत के इलाज में जुटी हुई है। करनाल से टोहाना आ रही महिला ने एक शख्स पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला की माने तो बदमाश ने नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने शख्स पर बंधक बनाकर रखने का भी आरोप लगाया है। महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के युवाओं को प्राइवेट सेक्टर और सरकारी विभागों में 75% नौकरी देने का प्रस्ताव पास किया है। इसको लेकर के अब विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक उदय भान ने सरकार को घेरते हुए कहा कि ये सरकार का बड़ौदा उपचुनाव को लेकर बहुत बड़ा जुमला है, लेकिन बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस भारी मतों से विजय होगी। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में जितने भी उद्योग हैं और सरकारी विभाग है, उनके अंदर ठेका प्रथा शुरू की गई है, जिसको लेकर के उद्योगों में प्रदेश के युवाओं को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को युवाओं को 75% नौकरी देनी है तो ठेका प्रथा खत्म करके प्रदेश के युवाओं को 75% नौकरी दी जाए। फिलहाल 22 जिले 22 खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।